कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हमारा सोशियोलॉजी का जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें हम लोग UGC नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग यूनिट 1 के सेक्शन 4 में मिशेल फुको से लेकर उनकी थ्योरी को पूछा गया है, तो उसे हम आज के क्लास में देखेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मिशेल फुको की जो थ्योरी है, उसे बोला जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि उत्तर संरचनावादी। तो ये क्या होता है, हम इस क्लास में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो किसी भी जो थिंकर है, उनकी थ्योरी को जानने से पहले उनकी हम लोग को बायोग्राफी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनकी बुक्स को जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बुक्स ही है जो हमें बताते हैं कि जो थिंकर है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी जो थ्योरी है वो किस बेस पर आधारित है। तो चलिए इनकी हम लोग थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। मिशेल फुको का जन्म 15 अक्टूबर 1926 फ्रांस में हुआ, तथा इनकी मृत्यु 25 जून 1984 फ्रांस में ही हुई थी। इनकी इम्पोर्टेंस बुक्स के बारे में अगर बात की जाए, तो इनके इम्पोर्टेंस बुक में मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। सेकंड इनकी बुक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, इस बुक का प्रकाशन 1963 में। थर्ड इनकी बुक है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975, हिस्ट्री एंड सेक्सुअलिटी 1976, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। मिशेल फुको ने जो उत्तर संरचनावाद के बारे में बताया है अपनी थ्योरी में, तो इसे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ। तो उत्तर संरचनावाद जो है, इसको विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे नृविज्ञान का क्षेत्र हुआ, समाजशास्त्र का क्षेत्र हुआ, मनोविज्ञान का क्षेत्र हुआ, या साहित्यिक आलोचना, यहाँ तक कि वास्तुकला में भी जो है वो उत्तर जो संरचनावाद है वो लागू होता है। इसने एक विधि के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में संरचनावाद की भोर में प्रवेश किया, जो 1960 के दशक में फ्रांस में अस्तित्ववाद की जगह लेने आया था। उत्तर संरचनावाद क्या है? तो उत्तर संरचनावाद सिद्धांत के दार्शनिक, सैद्धांतिक और साहित्यिक रूपों के लिए एक शब्द है, जो संरचनावाद द्वारा स्थापित विचारों पर आधारित और अस्वीकार करता है जो इससे पहले की बौद्धिक परियोजना थी। मिशेल फुको फ्रांस के एक प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। फुको की गिनती 20वीं सदी के सबसे प्रमुख विचारकों में से की जाती थी। उनकी थ्योरी की अगर बात की जाए, तो फुको को नव संरचनावादी माना जाता है, इनको उत्तर संरचनावादी माना जाता है। फुको ने विमर्श जो था उसे बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया था, और इन्होंने जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो थ्योरी इन्होंने मारा था, तो ये बहुत सारे थिंकरों से प्रभावित थे, जिसमें से जो डेरिडा जी थे वो भी जो उत्तर संरचनावादी थे उससे जुड़े हुए थे, फुको उनको मानते थे। कार्ल मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था, भौतिकवाद का सिद्धांत था, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत के माध्यम से संरचना को समझने के लिए प्रयास किया। फिर उन्होंने संरचना को समझने के लिए लेवी स्ट्रॉस का जो विनिमय सिद्धांत था उसे भी उन्होंने अपनाया। साथ ही साथ संचार माध्यम जो था, हैबरमास ने उपयोग किया था, उस थ्योरी को भी फुको जी मानते हैं। फुको के अनुसार उन्होंने जो विमर्श पर जोर दिया, तो वो विमर्श क्या बताती है कि ये संरचना को पूरी तरह से बदल देती है। विमर्श आखिर होता क्या है? तो विमर्श विशिष्ट ज्ञान के संदर्भ में एक सामान्य अर्थ होता है, जिसको सारे लोग सामान्य रूप से मानते हैं। मतलब आप इसको एक डिस्कोर्स के रूप में भी जोड़कर देख सकते हैं, कि जैसे इमैनुअल दुर्कायम जी ने सामूहिक चेतना को, सोशल फैक्ट को माना था कि जो सारे लोग मानते हैं वो सामूहिक चेतना के अंतर्गत आएगा,
उसी प्रकार से फूको ने डिस्कोर्स के बारे में बताया कि एक कॉमन चीज होती है जिसे कि क्या करते हैं सभी लोग मिलकर एक मानते हैं। जैसे इसमें इन्होंने मैडनेस के बारे में बताया कि हम पागलपन किसे बताते हैं, पागल उसे बोला जाता है जिसके कि कुछ लक्षणों को देखकर, उनके कुछ हरकतों के देखकर हम ऐसे ही समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, पागल है। तो ये था उनका डिस्कोर्स का थ्योरी, मतलब कि एक कॉमन थिंकिंग पर आधारित जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो डिस्कोर्स कहलाएगा। इन्होंने ज्ञान के पुरातत्व की दृष्टि से पागलपन को डिस्कोर्स माना। इन्होंने कामुकता का संबंध शक्ति और ज्ञान से माना, नैतिकता से नहीं। इन्होंने ज्ञान और शक्ति को सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए माना। फूको के अनुसार हम कभी भी जो सत्य होते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो छवियों, वो प्रतीकों, उन सभी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसी अज्ञानता में ही खो जाते हैं। इसको ही उन्होंने उत्तर जो आधुनिकतावाद था उसमें उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वो केवल विमर्शों द्वारा, लोगों के जो सिद्धांत हैं, लोगों के जो मान्यताएँ हैं, लोगों की जो सोच है, उसी के ऊपर वो निर्भर रहता है। इसी के आधार पर उन्होंने पांच प्रकार की अपनी कृतियाँ बताई हैं, अपना अपनी कृति में पांच प्रकार की जो अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं उसमें उन्होंने वर्तमान एक पहला बताया है कि वर्तमान उसे कहा जाता है जो कि हमारा प्रेजेंट में जो हम घटनाएं कर रहे हैं उस घटना को वर्तमान के अंतर्गत रखा। सेकंड उनका आनुवांशिकी था, आनुवांशिकी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि हम पास्ट के जो हमारे पास्ट में बीत चुका है उन तथ्यों को रिलेटेड करके अपने फ्यूचर को जब हम चेंज करते हैं उसे उन्होंने आनुवांशिकी के अंतर्गत रखा। थर्ड इन्होंने जो तकनीकी बताया, उन्होंने बताया कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, मतलब ऐसा एक ज्ञान है कि हम समाज में किसी भी चीज़ को देखें तो उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अंतर्गत वो परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसको उन्होंने अपने तकनीकी में रखा। इनकी एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत थे सत्ता की सूक्ष्म राजनीति, इसके आधार पर बताया। और जो फिफ्थ थे उनके प्रवचन, यानी कि उनकी जो डिस्कोर्स थ्योरी है इसको उन्होंने बताया। तो आई होप आपको आज की जो मिशेल फूको की थ्योरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई और थिंकर्स की थ्योरी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, तथा मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।